फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि ये फुटबॉल नहीं है, पानी की टंकी। इसके हम वापस रीपेंट करेंगे, जो कि पहले से पेंट हुआ है वो काफ़ी डल हो चुका है, स्क्रैच आ चुके हैं। ये जो ब्लैक सा दिख रहा है ये ब्लैक नहीं, ऑक्सफोर्ड ब्लू किया हुआ है। इसके अंदर काफ़ी इफेक्ट और धब्बे नज़र आ रहे हैं, तो हम इसको वापस चेंज करेंगे। इसको हम ब्लैक एंड वाइट करेंगे, जो कि ये एशियन पेंट का एफेक्स डस्ट प्रूफ पेंट है। ये एक वाटर प्रूफ पेंट है। इसको हम 1 लीटर लिए हैं और 1 लीटर में आधा वाइट रखेंगे और आधा ब्लैक स्टेनर मिक्स करके इसको ब्लैक बनाएंगे। तो चलिए हम बना रहे हैं ब्लैक पेंट। इसके अंदर हमने 200 ग्राम की ये ब्लैक स्टेनर लिए है और इसके अंदर हम पूरी स्टेनर डाल के और इसको ब्लैक पेंट बना लेंगे। और ये हमने 1 लीटर में से आधा लीटर वाइट ही रखा है। तो हमने इसके अंदर ब्लैक स्टेनर डाल दिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये आप उस टंकी पे अप्लाई कर सकते हैं या दीवार पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी तरह किसी लकड़ी से मिक्स करें और अप्लाई करें। तो दोस्तों जैसा कि हम दिखा रहे हैं वीडियो के अंदर, इसी प्रकार से आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर वाइट पेंट ना दिखे और ब्लैक पेंट अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, ब्लैक स्टेनर मिक्स हो जाए। जो आपके पास बची स्टेनर है वो पूरी डाल दें, आपके पेंट के हिसाब से आपको स्टेनर डालनी है। जैसा कि आपको लाइट करना है या डार्क करना है, उसी प्रकार से आपको स्टेनर डालनी है। हमने थोड़ा डार्क करना है तो इसी पेंट के अंदर हमने 200 ग्राम स्टेनर पूरी डाल दी। तो इसी प्रकार से डाल के और पूरा अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि हम दिखा रहे हैं वीडियो के अंदर। इसी प्रकार से आपको पहला कोट, हम इसके एक ही कोट करेंगे जो कि गाढ़ा पेंट है। इसके अंदर हमने पानी नहीं मिलाया बिल्कुल भी। इसी प्रकार से आप पहले वाइट पेंट कर सकते हैं जैसा पहले से किया हुआ है। इसी प्रकार से आप एक हाथ ये कोट निकाल सकते हैं। वाइट पेंट होने के बाद ही आपको ब्लैक पेंट यूज़ करना है ताकि इसकी जो धार है वो अच्छी तरह से निकल जाए ब्लैक पेंट से। ये वाइट पेंट का जो कॉर्नर है ये अच्छी तरह से दब जाए, जैसा कि हम दिखा रहे हैं वीडियो के अंदर। इसी प्रकार से आपको अप्लाई करना है, दीवार हो या कुछ भी हो जहाँ आपको पेंट करना है उसी प्रकार कर सकते हैं आप। तो दोस्तों आप देख रहे हो जैसा कि ये टंकी है, ये सीमेंट से बनाई हुई टंकी, सीमेंट और कंक्रीट के मिक्सचर से बनाई हुई है। ये समथिंग 800 या 900 लीटर की टंकी है, इसमें 800-900 लीटर पानी आ सकता है और इसे 10 साल की गारंटी दे रहे हैं जो बेच रहे हैं वो। 10 साल की गारंटी, 10 साल में इसका कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। तो ये गर्मी के अंदर पानी को ठंडा रखता है और जो सर्दी के मौसम में है वो पानी को नॉर्मली ठंडा रखता है, ज़्यादा ठंडा नहीं होता है इसके अंदर। और इसे आप ख़रीदना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। वो ये इसके नंबर जो पता है एड्रेस वो मैं आपको दे सकता हूँ, और अगर आपको लेना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो चलिए हम इसके पेंट करते हैं। पेंट पूरा होने के बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये रिन्यू पेंट होने के बाद कैसी दिखती है। तो चलिए दोस्तों हम कर रहे हैं इसके ऊपर ब्लैक पेंट। जैसा कि आप देख रहे हैं इसी प्रकार से आपको वाइट, जैसा वाइट किया था वैसे ही आपको ब्लैक करना है, लेकिन आपको ब्लैक संभल के करना है। इसकी जो साइड की कॉर्नर है वो अच्छी तरह से ब्रश से सीधी निकाल लें, और ये जो लाइनिंग दिख रही है आप 1 इंच ब्रश या कलम ब्रश से आप निकाल सकते हैं। ये हमने जो बीच में गैप में पेंट कर रहे हैं ये 3 इंच का ब्रश लिया है हमने, और इस लाइनिंग के अंदर हम 1 इंच का या कलम ब्रश यूज़ करेंगे। इसी प्रकार से आपको पूरे जो बॉक्स दिख रहे हैं उसको कंप्लीट कर लें। ये सिंगल कोट में ही अच्छी तरह से सेट हो जाएगा पेंट। ये हमारा सिंगल कोट में ही अच्छी तरह से सेट हो रहा है, तो हम इसके सिंगल कोट ही करेंगे और फिर ये बॉक्स होने के बाद ये जो लाइन दिख रही है उसको कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार से कंप्लीट होने के बाद हमारी ये टंकी का पेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पेंट होने के बाद आपको दिखाते हैं कैसी दिख रही है ये वाइट टंकी।
दोस्तों ये वाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, और अब हमारे बची ये जो लाइनिंग दिख रही है, लाइनिंग हम करेंगे 1 इंच के ब्रश से, जो कि हम दिखा रहे हैं वीडियो के अंदर। इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। ये हमारे पास 1 इंच का ब्रश है। 1 इंच का ब्रश लेने के बाद आप धीरे धीरे इससे लाइन को कंप्लीट कर सकते हैं, जैसा कि हम दिखा रहे हैं वीडियो के अंदर। इजी आप कर सकते हैं। वैसे पहले से जो लाइन बनी हुई है उसी लाइन के ऊपर आपको ब्रश चलाना है, वैसे कोई हार्ड काम नहीं है ये। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखा रहे हैं टंकी पूरी पेंट होने के बाद कैसी दिख रही है, और इसका ऊपर का हिस्सा हम आपको दिखाएंगे। ये सेम अंडाकार की टाइप का दिख रहा है ऊपर से। तो ये पेंट कंप्लीट होने के बाद इस प्रकार से दिख रही है, जो कि रिन्यू हो चुकी है। इसकी थोड़ी शाइनिंग सी बढ़ चुकी है, और ऊपर से ये इसी प्रकार से दिख रही है। अंदर का ये सीमेंटेड कोट सीमेंट लगाई हुई है, जो कि सीमेंट से बनी हुई है। साइड में ये जो पाइप के कनेक्शन है वो पहले से ऑलरेडी किए हुए थे। इसके अंदर जो सिस्टम दिया हुआ है वो पहले से वहीं से, जहाँ बनी थी टंकी वहीं से किए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।